तो ये बोलो गवर्नमेंट कॉलेज कमक जो कम्बा में लोकेटेड है उनका 25th मोपिन सेलिब्रेशन है, तो मैं जा रहा हूँ। स्टूडेंट लोगों ने मुझे चीफ गेस्ट बुलाया है और मेरे साथ जाएंगे ADC योंगसा श्री हेंटो कारगा और स्पेशल गेस्ट में आ रहे हैं गालो स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी डेनी बोजे। तो हम लोग तीनों जा रहे हैं, तो फिर वहाँ देखते हैं, आप लोग भी चलिए देखते हैं क्या होते हैं। और हम बहुत एक्साइटेड है, पहली बार गवर्नमेंट कॉलेज जो काम के हैं दोनों बड़े गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पे मैं चीफ गेस्ट के रूप में जा रहा हूँ कोई भी फंक्शन में, और ये मोपिन है, सबको हैप्पी मोपिन, थैंक यू। हम लोग अभी जा रहे हैं, आलोंग से निकल रहा है, ये आलोंग है, तो मोपिन के लिए जा रहे हैं अभी काम के दोनों बड़े कॉलेज। मज़ा होगा लगता है, आज वेदर भी ठीक है, बारिश भी नहीं है, नॉर्थ भी नहीं है, तो ये कम्बा आलो रास्ता भी बहुत अच्छा है, तो मिलते हैं और अच्छा अच्छा रास्ता इसमें बहुत अच्छा अच्छा सीनरीज है उसको। अभी हम लोग काबू पहुंचने वाला है, रास्ता बढ़िया है कम्बा रास्ता। काबू के बाद पोब्बी आएंगे, पोब्बी के बाद बेन, फिर वाक, उसके बाद आएंगे कम्बा, उसके बाद कमक जहाँ पे कॉलेज लोकेटेड है। जाएंगे कॉलेज काम की तरफ। टोपी सब पूरा रेडी है, अभी PSO लोग पकड़ के सही और वीडियो बनाएंगे। Chief Guest, Indian Police Service, Sri Tumme Amoji, Commandant 2nd BN Alo. Once again, put your hands together for our accepted presentation. इस तरह भी।
पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हम यूनिट यूनिट के नाम लेंगे, जैसे कि कम्बा के केसू, तो जहाँ से जब हम यहाँ से नाम लेंगे तो अब अपना अपना हाथ उठाइएगा, क्योंकि हमारे जज को यूनिट को पहचानने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है यहाँ से। साथ ही साथ हमारे गेस्ट को भी पता नहीं है कौन कौन सा यूनिट है ना, तो जैसे कि जब केकेशू बोलेंगे तो केकेशू पार्टिसिपेंट सब अपना हाथ उठाएंगे। हाँ, तो फर्स्ट कम्बा यूनिट हाथ उठाइएगा, अपने दो हाथ, तालियों की गुनगुनाहट होने से ठीक होगा। सेकेंड यूएस अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स एंड बासर एरिया स्टूडेंट यूनियन एंड जिगो स्टूडेंट यूनियन, निको बांगो स्टूडेंट यूनियन, करगू करदू स्टूडेंट यूनियन, पत्तू एता बांगो स्टूडेंट यूनियन पेप्सू, पुसू बांगो स्टूडेंट यूनियन, गर्ल्स हॉस्टल अक्सू, अक्सू का मतलब है ऑल कॉम्बो तादिन स्टूडेंट यूनियन। थैंक यू सभी को अपने हाथ उठाने के लिए। तो सब रेडी है?
today's honorable chief guest, IPS Ashi Tumme Amoji. Mayam Gunu, Dusra Star se Singham Sar ke naam se bhi janta hai. And effective police corps, police officers, and honorable guest of honor, Lok Kita Hento Karigaji, ADC Yongsa, APCS Admin Grace, and Principal DPGC College, Sir, Vice Principal. Vibrant और जाने माने अरुणाचल के यंग डायनेमिक आईपीएस ऑफिसर तुम्बे नामो जी और मौकाओ डेनी बोजे मौका जन ये यम यमसा एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड न्यू प्रिंसिपल सर ओके मोबे एमसी नाको तालियों की गुनगुना दोना चाहिए जोड़ नहीं हुआ जोड़ नहीं आए जोश नहीं यार हैप्पी मॉर्निंग आज के मेरे साथ आए हुए हेंतो कारगा जी गेस्ट ऑफ ऑनर और हमारे यमसा सर्कल के एडीसी और स्पेशल गेस्ट में आए हुए छोटा भाई डेनी डेंगजंपा ओ सॉरी डेनी बोजे जनरल सेक्रेटरी जीएसयू इनको तो मैं मिलते रहता हूँ ईटानगर में उसके साथ यहाँ हमारे साथ आए हैं यमसा के बाप यूयम यमसा यूयम से तो यमसा होता होगा यमसा के बाप और हमारे एदिस साहब की प्यारी बेटी तोयुम उसके साथ ये इस एस्टीम कॉलेज के प्रिंसिपल बोड़ान साहब बोड़ान को तो अगर हम इन जी कटने से बोड़ा होता है मतलब लेकिन सार तो थोड़ा छोटा है और वाइस प्रिंसिपल खड़बाग साहब एमएलए मत सोचिए हाँ ये वाइस प्रिंसिपल खड़बाग साहब और जितने भी यहाँ के टीचिंग स्टाफ और जनरल सेक्रेटरी मार्किन लोयू और आपके 25th मोपिन सेलिब्रेशन के यानी कि सिल्वर जुबली मोपिन सेलिब्रेशन कॉलेज के दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कंपनी के जितने भी ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट है बागड़ा साहब वाइस प्रेसिडेंट सोड़ा उसके बाद सेक्रेटरी तरदेव अंका और जितने भी बाकी मेंबर्स हैं और स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ के आजू बाजू के जितने भी विलेज है रुई है क्या हाँ इनके यहाँ के जाने माने लोग उसके बाद आज का एंकर है मैं भी एंकर को एंकर का बात को सहमत करता हूँ टीचर्स एंड प्रिंसिपल लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको थोड़ा ग्रेस मार्क 5 देने से ठीक है सभी सब्जेक्ट में लेकिन इससे ज्यादा टाइम लगाया होगा सिकोम साहब और कल्चरल ट्रूप ने तो सिकोम साहब जो कोरियोग्राफर है उनको भी थोड़ा 5-10 मार्क ग्रेस देने से ठीक है और कल्चरल टीम्स को भी तो मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि सभी ने बोला है
और मैं हिंदी में ही बोलूंगा क्योंकि मेरा यहाँ पे वीडियो भी ले रहा है मेरा पीएसओ लोग और लोग हिंदी में चुनना चाहते बोला। मैं जब ईटानगर में नया नया पोस्टिंग हुए थे तो वहाँ पे पीआरसी का बहुत प्रॉब्लम था, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था पीआरसी को कैसे शांति किया जाए। तो उस समय ठीक ठाक होने के बाद एक दिन ये लेडीज पार्टी आए थे, ग्रुप ऑफ औरत पार्टी वुमेन पार्टी आए और मुझे बोला सर आपका हम लोग जो न्यूज में आते हैं हम लोग बहुत सुनने दिल होता है आपका बातें, लेकिन आप इंग्लिश में बोलते हैं तो प्लीज हिंदी में बोले। मैंने बोला मेरा हिंदी तो बहुत गया गुजरा है क्योंकि जैसे हमारा हेंतो खड़गा जी ने बोला है कि हम लोग कोई अच्छा स्कूल से पढ़े नहीं है, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, उसको मैं जब अभी नेक्स्ट टॉपिक में बात करूंगा एजुकेशन पर, तो मैं इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगा। और हेंतो खड़गा जी के बारे में खुद भी उन्होंने बताया, मुझे जैसे कैपिटल में लोग सिंगम बोलते थे, रियल लाइफ सिंगम, ऐसा ऐसा बहुत लोगों ने दिया भी है ऐसे मेमेंटो में, तो मजिस्ट्रेट लोग को भी थोड़ा कुछ ऐसा नाम रख देने से ठीक सा, दबांग या सिंगम। तो अरुणाचल में से कोई दबांग अगर मजिस्ट्रेट होता, सिंगम मजिस्ट्रेट होता और हेंतो खड़गा जी होता, इसके लिए बड़ा थाली। तो आज मैं ज्यादा, क्योंकि जैसे हेंतो खड़गा जी ने बोला है ज्यादा बोलना नहीं है क्योंकि आज मोपिन है, तो यहाँ जब हमारा ताशो भाई गाना गा रहे थे तो मैं चीफ गेस्ट नहीं होता, मैं वही उतर के डांस करते आपके साथ, मुझे भी डांस करने का पूरा ये हो रहा था, बहुत मन हो रहा था। तो आज के बारे में मैं बस तीन टॉपिक की बात करूंगा। एक तो है आप लोगों ने मुझे यहाँ मोपिन पे बुलाया तो ऑब्वियसली मोपिन के बारे में बोलना है, तो जितने भी कमिटीज है इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आपका कॉलेज में कोई गेस्ट या चीफ गेस्ट के रूप में आया है और भी सिल्वर जुबली टाइम में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए और आप स्टूडेंट है और मैं स्टूडेंट लाइफ से गुजर चुका हूँ, आज एक ऑफिसर हूँ, जितना बड़ा तो नहीं हूँ जितना होना चाहिए था लेकिन हूँ, तो आपको मैं बता सकता हूँ एजुकेशन के बारे में। उसका बाद मैं जहां भी जाता हूँ थोड़ा जनरली जिंदगी के बारे में थोड़ा बोलता हूँ जो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, तो उसमें मैं 7 H की बात करता हूँ, हेल्थ से लेकर हेवन तक, बीच में 7 H है तो उसको मैं बात करता हूँ, आप लोग याद करना, मैं बाद में पूछूंगा ये एज 6th H क्या था, 5th H क्या था। तो मैं मोपिन के बारे में डेनी बोजेजी ने बोला, हमारा प्रिंसिपल ने भी बोला और हमारा जो गेस्ट ऑफ ऑनर इन्होंने भी कहा, मोपिन एक बड़ा फेस्टिवल है गालों का और सब जानते हैं मोपिन का बारे में सिर्फ जमा जमा।